नगर सेवक अनंत सुतार का ऐरोली में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम, एमएलए गणेश नाइक का नवंबई करो के लिए विशेष ऐलान, आने वाले 15 सालों तक नहीं बढ़ाया जाएगा घर और पानी बिल। केला जात आहे टाळ्यांच्या गजरामध्ये, हार्दिक हार्दिक स्वागत। शशिकला सुतार मॅडम आणि सुतार साहेबांचं एकत्रित या ठिकाणी पालकांच्या शुभ हस्ते, दादांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सन्मान होतोय, त्यासाठी टाळ्या वाजत राहिल्या पाहिजे।
पूर्व नगर सेवक और वरिष्ठ बीजेपी नेता आनंद सुतार और शशिकला सुतार ने ऐरोली के सेक्टर एक में हल्दी कुमकुम का आयोजन किया। कार्यक्रम में विधायक गणेश नाइक के साथ समाज सेवक राजेश मड़वी और नाइक परिवार की सभी बहुएं मौजूद रही। इस अवसर पर आनंद सुतार ने प्रभाग 10 और 12 में 155 सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा करते हुए गणेश नाइक के हाथों शिलान्यास कराया। कार्यक्रम में आनंद सुतार ने शिक्षण पुस्तिका का विमोचन भी किया, जिसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को करियर की जानकारी दी गई है। गणेश नाइक ने आनंद सुतार के कार्यों की सराहना करते हुए मनपा चुनाव में अरोली की जिम्मेदारी आनंद सुतार के हाथों में देने का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि मनपा में अगले 15 सालों तक पानी बिल और घर पट्टी नहीं बढ़ाई जाएगी। गणेश नाइक ने बीजेपी के इंटरनल सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी 65 सीटों पर ए ग्रेड पर है और 15 सीटों पर बी ग्रेड। इस तरह 80 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और मनपा में महापौर हमारा ही होगा। वार्ड क्रमांक 10 इस इलाके में आज ये हल्दी कुमकुम समारंभ संपन्न हो रहा है। श्री अनंत सुतार और श्रीमती शशिकला सुतार, ये दोनों ने इस इलाके में समाज की मन से सेवा की है। वो सेवा करते टाइम में उन्होंने धर्म देखा नहीं, जात देखा नहीं, भाषा देखा नहीं, वर्ण देखा नहीं और पार्टी भी देखी नहीं। जो अड़चन में थे ऐसे और पार्टी के लोगों को भी उन्होंने मदद की है। आज उन्होंने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का शुभारंभ किया है। यहाँ पे जो 10वीं और 12वीं के बाद में कौन से ढंग से आगे की शिक्षा की यानी लकीर खींची जाए उसके बारे में भी एक किताब उन्होंने निकाली है, उसका भी विमोचन यहाँ पे हुआ है। भारी संख्या में यहाँ पे महिला वर्ग को उन्होंने बुलाया हल्दी कुमकुम समारंभ के लिए। ये एक ही वार्ड की महिला है, वार्ड क्रमांक 10 की। आनंद सुतार पे मैंने ऐरोली इलाके की पूरी जिम्मेदारी दी है। बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पे आनंद सुतार जी ने और शशिकला ताई ने हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया, इसलिए हम उनके आभारी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार हम लोग चारों बहुएं एक ही स्टेज पे शेयर की, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है। इस अवसर पर पुस्तक का विमोचन करने के बाद आनंद सुतार ने कहा कि हम हर साल 10वीं और 12वीं की सराव परीक्षा आयोजित करते थे, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण हम सराव परीक्षा आयोजित नहीं कर पाए, इसलिए हमने शिक्षण पुस्तिका सभी बच्चों को देने का प्रयास किया है, जिससे बच्चों को अपना करियर चुनने में आसानी हो। आनंद सुतार ने कहा कि कोरोना काल में सिर्फ गणेश नाइक और उनके समर्थकों ने लोगों की सेवा की है, इसलिए सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने उन्हें सम्मानित किया है। इसका मतलब ये है कि उनके लोगों ने कुछ नहीं किया, ऐसे में उन्हें मनपा चुनाव में वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है। कि लॉकडाउन में आप लोगों को किसने मदद की? गणेश नाइक साहब ने की, हमारे हम लोगों ने की, गणेश नाइक के समर्थक लोगों ने। तो आने वाले चुनाव में अगर कोई आदमी आपको पूछता है कि हमें वोट दे दो, तो पहले ये पूछो कि लॉकडाउन में आप कहाँ थे। तो लॉकडाउन में अगर गणेश नाइक का समर्थक गणेश नाइक साहब हमारे घर में खाना पीना करे, रेशन भी देते हैं, सब कुछ पहुँचाया है, तो आज हम कल भी उनका सत्कार किया। वहाँ सत्कार में मुख्यमंत्री उद्धव साहब भी थे, शरद पवार साहब भी थे। अगर उनके हाथ से सत्कार होता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि गणेश नाइक साहब आपने नई मुंबई में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारे लोग काम नहीं कर सके। तो ये काम, ये सब बातें हम दुनिया को बताएंगे कि हमने काम किया है, तो आपके बॉस ने मुझे सत्कार किया है, तो पार्टी किस तरह कहेगी कि मैंने काम नहीं किया है। बाप ने कहा है, आपके बाप ने कहा है कि हम लोगों ने काम, हमारे बाप ने काम किया है, हमारे दादा ने काम किया है, तो दुनिया को मानना पड़ेगा, पार्टी के लोगों को मानना पड़ेगा। ये बात सही है कि राष्ट्रवादी पार्टी के प्रमुख और शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि गणेश नाइक साहब ने काम किया है। का जो कार्यक्रम आयोजित केला होता आज खास करून म्हणजे सुतार साहेबांनी ठरवलेला नाईक साहेबांच्या असते सीसीटीव्ही कॅमेरेत होता, आणि हल्दी कुंकूसाठी महिलांचा कार्यक्रम हा, महिलांना मी त्यासाठी महिलांना बोलवायचं होतं आणि कोणाला बोलवायचं आमचा विचार होता, तर मग आम्ही ठरवलं का नाईक साहेबांच्या सुनाय सर्व त्यांना आम्ही बोलवा आमंत्रित करू आणि त्यांना हल्दी कुंकूसाठी इथे बोलावू म्हणून प्रमुख पाहुणे म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।